जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चर्चा करते हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एकाधिकार की विशेषता को बताइए। एकाधिकार जिसे अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं, तो एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार। जब किसी वस्तु के उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार हो, नियंत्रण हो, तो उसमें एकाधिकार कहते हैं। और एकाधिकार की विशेषता है नंबर एक में, इसमें उत्पादक की संख्या एक होती है, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु में विभेद पाया जाता है, फर्म मतलब उद्योग अपने अलग कीमत नीति का निर्धारण करते हैं, उद्योग में फर्म के प्रवेश पर नियंत्रण होता है। ये सारी एकाधिकार की क्या है, विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। आपका उत्तर होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोग से प्रयोग से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को हम गोशेन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। यह नियम बताता है, मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए वस्तु को खरीदने पर जितना मुद्रा खर्च करता है, मुद्रा के हर इकाई से वह अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है। तो एक उपभोक्ता अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई मुद्रा की हर इकाई से अधिकतम संतोष प्राप्त करने का जो नियम है, उसी नियम को हम सम सीमांत उपयोगिता नियम, गोशेन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन के नियम के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है और एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है और एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो आपका उत्तर होगा कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब है, एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों पर जो धनराशि खर्च करता है, जो रुपया खर्च करता है, तो जितना रुपया खर्च करता है उतना रुपया से वह संतोष प्राप्त करना चाहता है। तो जितना खर्च करता है, जितना धनराशि व्यय करता है, उस धनराशि के अनुकूल यदि उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्ति हो जाती है, लाभ प्राप्ति हो जाती है, तो इसी स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है।
साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, लिखने का तरीका होगा, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, साधन के प्रतिफल अल्पकाल में लागू होता है जबकि पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है। साधन का प्रतिफल अल्पकाल में लागू होता है, पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है। दूसरा अंतर है, साधन का प्रतिफल तब लागू होगा जब एक साधन को स्थिर रखा जाए और दूसरे साधन को परिवर्तनशील कर दिया जाए, लेकिन पैमाने का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब उत्पादन के दोनों साधन क्या हो, परिवर्तनशील हो। तीसरा अंतर है, साधन के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। आज का पांचवा प्रश्न है, साधन के घटते प्रतिफल के नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? साधन के घटते प्रतिफल के नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, साधन के घटते प्रतिफल नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थशास्त्र का एक प्रमुख और आधारभूत नियम है। यह नियम बताती है कि यदि उत्पत्ति के स्थिर साधन को उत्पादन के स्थिर साधन को स्थिर रखा जाए और परिवर्तनशील साधन के मात्रा को बढ़ाया जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी लेकिन घटते हुए दर से होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी लेकिन घटते हुए दर से होगी, तो इसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं, सॉरी उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं या साधन के घटते प्रतिफल नियम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है कैसे स्पष्ट करें? प्रश्न है, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है कैसे स्पष्ट करें? आप सबको पता है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1935 में हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो केंद्रीय बैंक भारत का अंतिम ऋणदाता है या केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है कैसे? तो आप लिखेंगे, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है क्योंकि जब किसी व्यापारिक बैंक को या सरकार को अन्य स्रोत से कर्जा मिलना बंद हो जाता है, ऋण नहीं मिल पाता है, मतलब जब सरकार को या व्यापारिक बैंक को अन्य किसी स्रोत से कर्ज नहीं मिल पाता है, ऋण नहीं मिल पाता है, तो केंद्रीय बैंक ही सरकार को भी और व्यापारिक बैंक को भी कर्ज उपलब्ध करा करके उसके आर्थिक आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है। इसलिए हम कहते हैं कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है, क्योंकि जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो केंद्रीय बैंक ही सरकार को भी और व्यावसायिक बैंक को भी कर्ज देती है। सातवां प्रश्न है, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है क्यों? मतलब मांग वक्र की जो रेखा होती है उसकी ढाल ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं की ओर होती है क्यों? तो आप लिखेंगे, मांग वक्र की रेखा ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं की ओर इसलिए झुकती है क्योंकि उपभोक्ता अधिक कीमत पर कम वस्तु का डिमांड करते हैं और कम कीमत पर अधिक वस्तु का मांग करते हैं। मतलब उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तु का ज़्यादा मांग करता है और ज़्यादा कीमत पर वस्तु का कम मांग करता है, इसलिए मांग वक्र की ढाल ऊपर से नीचे या बाएं से
दाएं की ओर होता है। अगला प्रश्न है, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है? प्रश्न है, पूरक वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तु में क्या अंतर है? तो आपका उत्तर होगा, पूरक वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसमें दो वस्तु की मांग एक साथ की जाती है। मतलब कहता कि जब दो वस्तु की मांग एक ही साथ एक ही समय में किया जाए तो उस वस्तु को हम पूरक वस्तु कहेंगे। जैसे कलम के साथ स्याही का, कार के साथ पेट्रोल का एक ही बार मांग होता है, क्योंकि बिना कार का, बिना पेट्रोल का कार का कोई मूल नहीं है और बिना इंक का कलम का कोई मूल नहीं है। जब दो वस्तु का मांग एक ही साथ किया जाए तो उसे हम पूरक वस्तु कहेंगे। इसके विपरीत स्थानापन्न वस्तु, तो स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहेंगे जिसमें एक वस्तु का प्रयोग दूसरी वस्तु के स्थान पर हूबहू उसी के जैसा किया जाता है। जैसे चीनी का मीठा, क्योंकि चीनी भी मिठास के लिए प्रयोग करते हैं और मीठा भी मिठास के लिए प्रयोग करते हैं। चाय का कॉफी, तो दो वस्तु का प्रयोग एक दूसरे के बदले में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो उसको स्थानापन्न वस्तु, और दो वस्तु का एक ही साथ प्रयोग किया जाए तो उसको पूरक वस्तु के नाम से जानते हैं। नौवां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक की विशेषता को बताइए। प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक की विशेषता को बताइए। तो याद रखेंगे, व्यावसायिक बैंक को हम व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर एक, व्यावसायिक बैंक मुद्रा का लेन देन करती है। व्यावसायिक बैंक जनता के जमा को स्वीकार करती है। व्यावसायिक बैंक लाभ कमाने का उद्देश्य करती है। व्यावसायिक बैंक जनता को उसकी आवश्यकता के अनुसार अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देती है। व्यावसायिक बैंक पूर्णतः वित्तीय संस्था है। और व्यावसायिक बैंक जनता के बचत को चार प्रकार के खाता में, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता में स्वीकार करती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, दसवां प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर क्या है और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? विदेशी विनिमय दर क्या है और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? तो आप लिखेंगे, जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा का जिस दर पर विनिमय, मतलब अदला बदली किया जाता है, मतलब जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, उसी दर को हम विदेशी विनिमय दर के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर होता है। जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण कहां होता है, तो मांग और पूर्ति के संतुलन बिंदु पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग नया विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।